अपने पड़ोसियों के साथ चीन की दादागिरी जारी है। अब उसने भूटान की जमीन के एक हिस्से पर अपना दावा ठोका है। चीन ने भूटान के सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य की जमीन को विवादित बताया है। दरअसल ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल की 98वीं बैठक में चीन ने यह दावा तब किया जब इस अभयारण्य के फंडिंग के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। हालांकि भूटान ने चीन के इस कदम का कड़ा विरोध किया है और इस जमीन को अपना अभिन्न अंग बताया है। बता दें कि भूटान और चीन के बीच अभी सीमांकन नहीं हुआ है, इसी का फायदा उठाकर चीन अपनी नापाक चालें चलता है। अच्छी बात यह है कि चीन के विरोध के बाद भी काउंसिल ने प्रोजेक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है।